फाइव क्वेश्चन में आप सभी को वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर मोस्ट 25 क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से आपको सीरीज जो हम चला रहे हैं आप सभी के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, जो कि फिर से हम आप सभी के पास 25 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको 25 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे द्वारा, जो हमारे चैनल के द्वारा, हमारे चैनल जो है लगातार आप सभी के पास जो है मेहनत कर रहे हैं और आप तक जो पहुँचाए जा रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन को जरूर आप अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको जो है एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर जो है एसएससी सीएचएसएल की एग्जामिनेशन लगने वाली है और सारे सब्जेक्ट में, यानी कि मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और जीके में भी 25 क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं। इस प्रकार से देखे जाएँ तो दोस्तों टोटल जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक घंटा का ही टाइम आपको मिलेंगे। एक घंटा में आपको सारा का सारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेने हैं। तो चलिए देखते हैं मोस्ट 25 क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले हम जीके का क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, फिर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का, क्योंकि यहाँ पर जो जीके का क्वेश्चन होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों जीके में सबसे ज़्यादा जो है लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। तो ये जो है एक प्रकार का क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से हम सारा क्वेश्चन उठा रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, क्योंकि एसएससी भी चाहते हैं कि हम जो है रिपीट करें, खास करके सीएचएसएल वाले जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या तो आप सीजीएल दे रहे हैं या एमटीएस दे रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो सभी के लिए जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 4 से 5 बजे के बीच में परीक्षा हुए थे, ये जो 9 जुलाई को ये परीक्षा हुए थे। चलते हैं 9 जुलाई को किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, उसी के विषय में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन यानी जीके का क्वेश्चन को जानेंगे। इसका पहला पार्ट हमने पहले बहुत पहले अपलोड कर दिए, नहीं देखे होंगे तो जाके वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। यहाँ से आपको जो है दोस्तों जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन हमने पिछला वीडियो में कर चुके, इसलिए जो पिछला वीडियो में कवर नहीं हो पाए वो सारे इस वीडियो में हम कवर करने का कोशिश करेंगे। ये जो हमारा था लास्ट क्वेश्चन था पिछला वीडियो में, अब इसके आगे का क्वेश्चन चलते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहे, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेगी निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। पहला लिखे गए हैं वेनगेस है, या ऑनसेफ है, या पिक्सिर है, या परम युवा 2 है। तो ये जो है परम युवा 2 जो है ये भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है। ये जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, अक्सर देखे गए हैं कि ये पूछे ही जाते हैं, इसे ज़रूर से ज़रूर उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1979 का क्रिकेट विश्व कप द्वारा जीता गया, वेस्टइंडीज़ के द्वारा जीता गया था, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा या इंग्लैंड के द्वारा, किसके द्वारा जीता गया था। दोस्तों ये जो जीता गया था वेस्टइंडीज़ के द्वारा, यानी कि यहाँ पर जो 1979 जो है क्रिकेट विश्व कप जो है वेस्टइंडीज़ के द्वारा यहाँ पर जो जीता गया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या रखा हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखेंगे अष्टमुंडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन जो VBI क्वेश्चन है, क्योंकि नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या केरल, ये जो है केरल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, केरल में। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, स्नूकर से है, शतरंज से, घुड़दौड़ से या गोल्फ से। ये जो है दोस्तों घुड़दौड़ से, जो कि घुड़दौड़ को क्लिक किए उनका जवाब जो सही रहा। आए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। पहले लिखेंगे लॉर्ड वावेल को, या लॉर्ड कैनिंग को, या लॉर्ड इवरिन को, या लॉर्ड मेयो को। तो ये जो किया गया था लॉर्ड कैमिंग को, किसको किया गया था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग को। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। लिखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने स्थान के साथ सही ढंग से मेल खाता है, वेदनाथ धाम उड़ीसा में, या मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में। तो मल्लिकार्जुन जो है आपका आंध्र प्रदेश में, यह बिल्कुल भी मेल खाता है, यानी कि मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोक बड़ी टीम है, तो मुंबई इंडियंस से, या तेलुगु टाइटन्स से, या दिल्ली कैपिटल से, या सनराइज़र हैदराबाद है। ये
तेलुगु जो है टाइटेनस जो है यही आपका स्थित है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो VBI क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में से रिपीटेड होने वाले। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, तुंगभद्रा पर, महानदी पर, कोयना पर या दामोदर पर। यह जो बनाया गया है दोस्तों महानदी पर बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया, महानदी पर बनाया गया। और यहाँ पर नीचे कमेंट लिखे सारे लोग कि हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है, हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट छोड़े जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि लिखे गए भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र दो डॉट में स्थापित किया जाएगा, पटना में, हरिद्वार में, देवप्रयाग में या वाराणसी में। यह जो किया गया था पटना में, कहां किया गया था दोस्तों, पटना में किया गया था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां पर लिखे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है, तापी नदी या साबरमती नदी, कृष्णा नदी या कांवरी नदी। यह जो निकलती है दोस्तों कृष्णा नदी में, कहां पर निकलती है, कृष्णा नदी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। लिखे गए हैं द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक किसने किया है, अरुंधति रॉय ने किया है, शोभा डे ने, चेतन भक्त ने या अमिताभ घोष ने। ये जो किए गए थे अरुंधति रॉय, जो कि अरुंधति रॉय को क्लिक किए, उनका जवाब सही रहा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है लिखे गए, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, पहले लिखे गए वी नरहरि और राव को, या विठल भाई जे पटेल को, जी वी मावलकर को, या एम अंतय सयनम अय्यगार को। तो यह जो चौथा ऑप्शन है यही इसका सही है। तो दोस्तों देखिए आप कितने अच्छे से हमने टॉप 25 क्वेश्चन को आप सभी के पास यहाँ पर व्यक्त किए। आप ये 25 क्वेश्चन को आप जरूर से रीड करें। इसके साथ साथ ही दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलें। और इस टाइप से मोस्ट 25 क्वेश्चन देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ और बेल का आइकन को दबाएँ, ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाएँ। आपने अपना कीमती समय देकर वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से मोस्ट 25 क्वेश्चन के साथ।